नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल गौरव चौधरी के बहुत ही फ्रेश कमाल एपिसोड में। और यहाँ पर दोस्तों आज फ्रेशनेस तो पूरी है, कमाल भी हम कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, जाता हूँ सीधा भाग के जिम, आगे आपसे पूरी बातें करता हूँ। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। जी भाई, भाई मैं जस्ट अभी निकला हूँ। ओके ओके, आ जाओ। आप अभी निकल रहे हो? आप अच्छा निकल ऑन द वे हूँ मैं। चलो चलो, बस मैं आता हूँ, 5-7 मिनट में आता हूँ। ओके डन, चलो ओके भाई, बाय। दोस्तों सीन अभी कुछ ऐसा है कि मैं जस्ट अभी निकला हूँ जिम के लिए, थोड़ा सा आज लेट हो गया हूँ। मतलब मेरा सेशन तो इनफैक्ट आज सुबह का था, लेकिन हुआ ये कि सुबह मेरी आंख तो खुल गई थी लेकिन थकान बहुत थी, बिकॉज रात को नींद पूरी नहीं हो पाई थी। बिकॉज मैं देख रहा था कल US ओपन का फाइनल, और वो पूरा गेम देखते देखते फिर सोचते सोचते काफी लेट हो गया, उस चक्कर में फिर पंगा हो गया। बट एनीवेज मैंने सुबह का सेशन चेंज करके शाम का किया। मैंने बोला रियाज भाई को, भाई शाम का करते हैं आज 3:30 के करीब। पंगा ये है कि मैं वो भी मिस कर गया, 4:02 हो गए, बट कोई बात नहीं, चलता है, थोड़ा बहुत संभाल लेते हैं। आज वर्कआउट होने वाला है भयंकर इंटेंस, क्योंकि आज है हमारा लेग डे और ये हर चौथे दिन होता है। बेसिकली जो मैं रूटीन फॉलो करता हूँ ना, अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे होता है एक दिन मेरा चेस्ट और बाइसेप, उसके बाद में होता है बैक एंड ट्राइसेप्स, उसके बाद में होता है शोल्डर्स एंड ट्रैप्स, और उसके बाद में होता है लेग्स और एब्स। बीच में ऑल्टरनेट डे चलती रहती है, कार्डियो चलता रहता है। अब तो खैर मजा आएगा ही, बिकॉज व्लॉग्स आ रहे हैं। भाई इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है ना अंदर की, लगता है कि बस आपके लिए ऐसे वीडियोस बस मैं लेके आता रहूंगा और आपको जो है वो लाके कमाल का वीडियोस देता रहूंगा। लेट्स सी आगे कैसा रहता है हमारा जिम सेशन। अभी ना इस रोड में क्या है, आपको बताऊं, यहाँ पे ना सामने कैमरा आता है, रोड है, इस पे जो स्पीड लिमिट है वो है 80 की। जो कैमरा आपकी फोटो खींचता है, जो स्पीड ड्रा रहा है, वो काम करता है 100 पे, मतलब वो 101 होते ही फोटो खींच लेगा और फिर आपको फाइन आएगा 600 दिरहम्स का। मैं 4-5 दिन पहले यहाँ से निकल रहा था, अपनी पोर्श में था उस दिन, कैमरा भी यहाँ पे है ना, आपको दिखाता हूँ ये जो कैमरा है। तो यहाँ पे मैं जा रहा था, मैं शायद 103 या 104 पे था, कैमरा ना मेरे दिमाग से निकल गया, मतलब मैं स्किप कर गया कि कैमरा है। ट्रैफिक वगैरह भी था थोड़ा सा, और मैं निकला और जैसे ही मैंने कैमरा पास किया, मेरा मैं 105 पे था, तो सीधा 600 दिरहम बोले तो 12,000 रुपए का फाइन एक फोटो खींचने का। लिमिट्स अगर आप 21 से 30 के बीच में अगर आप ओवर है, मतलब जो कि 80 की रोड है, तो अगर आप 101 से लेके 110 के बीच में है तो ये फाइन लगता है। हो सिग्नल 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 सिग्नल, थोड़े से भी लेट हो जाओ और रेड लाइट अगर ना मिले तो, मतलब ऐसा हुआ ही नहीं आज तक लाइफ में कि कभी किस दिन अगर मैं लेट हो रहा हूँ मेरे को रेड लाइट ना मिले। अंदर से वो आती है फीलिंग डॉम डोरेटो वाली, मतलब वो ऐसा लगता है कि हम चला रहे हैं चैलेंजर और फिर मतलब आप वो क्या बोलते हैं, किसी और की ऐसे आत्मा अपने अंदर महसूस करते हो कभी कभी, जब आप खास कर से लेट हो रहे होते हो तो। अभी मैंने सोचा है वैसे ऑनेस्टली, मतलब ऐसे इमीडिएट नहीं सोचे हैं, लेकिन हाँ सोचा है कि काफी सारे इंटरेस्टिंग आपको व्लॉग्स में ऐसे बना बना के दूंगा। बहुत सही, चलो जी। गाड़ी का इतना अच्छा व्यू दिखता है ना आपको, 360 3D पूरा का पूरा, इतना अच्छा आप अपनी गाड़ी को विजुअलाइज कर पाते हो। ये कार आगे से दाएं बाएं चारों तरफ से आप देख सकते हो। मैंने यार वैसे ना रिसेंटली एक चीज चालू करी है कि मैं जब भी अपनी कार पार्क करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा दूर से दूर पार्क करूँ, ताकि मेरे जो स्टेप्स हैं वो पूरे हो जाए। पहले आई यूज टू बी कि एकदम गेट के पास में पार्क करूँ, बट अभी जितना दूर होता है पीछे उतना पार्क करता हूँ ताकि स्टेप्स पूरे हो जाए और जो टारगेट होता है वो पूरा हो जाए। मैं आपको एक दिन बताऊंगा वैसे कि मैं एक दिन में कितना चलता हूँ। बाहर से अंदर आते ही जो फीलिंग आती है ना, एकदम ऐसा लगता है कि आप किसी क्या बोलते हैं उसको ठंडे प्रदेश में आ गए हो, स्विट्जरलैंड में आ गए हो। बाय द वे ऊपर जो पूरा फ्लोर है वो जिम का है, काफ़ी बड़ा ये पूरी ब्रांच है, काफ़ी बड़ा फ्लोर है। तो आज ये टाइम पे इतना ऑक्यूपाइड होता नहीं है, ये जो ऊपर आप देख रहे हो पूरा का पूरा। अभी चलते हैं और करते हैं सॉलिड वाला वर्कआउट। इवनिंग मॉर्निंग क्या हो गया है शाम का मैंने चेंज किया, वो भी 3:30 से करके अभी 4:20 हो गया है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। बट आज कितने मिनट में कितना क्या कैलोरी बर्न करने वाले हैं? 45 to 60 मिनट्स। हाँ
चलो गाइस लेट सी क्या होता है आज, और बहुत कुछ क्रेजी करने वाले हैं। अभी हम शुरुआत पे जिस मशीन पे आए हैं, वन ऑफ माय फेवरेट्स है, और आगे फिर चलिए देखते हैं। तो गाइस हमारा जो पहला वर्कआउट है वो है सीटेड लेग प्रेस। क्या कर रहे हैं आज? वेट चार सेट करेंगे। हाँ, 12 10 8 6 12 10 8 6 75 105 135 165 यही है। मुझे याद है, इसमें ज़्यादा मत करो भाई, इसमें से बड़ा बताते। चलो लेट्स सी कैसा होता है। पहले लेग प्रेस के बाद में जो ये जो मशीन है यहाँ पे हम कर रहे हैं, ये है लेग एक्सटेंशन ना, उसके लिए क्वाड्स के लिए। इसमें बड़ा मजा आता है, और इसमें लास्ट में जो ड्रॉप सेट आता है ना, वो भाई हालत खराब हो जाती है। हाँ, लास्ट वाला शॉक ट्रीटमेंट, वो जो चीज़ है वो एकदम भयंकर अलग होती है। तो अभी बाय द वे मैं इधर क्यों देख रहा हूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा, बिकॉज मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग करने का थोड़ा सा पंगा भी होता है कभी कभी। बट लेट्स सी कैसा होता है ये वाला लेग एक्सटेंशन। अगेन वही चार सेट भाई। I break them one by one and there's the thing. And I hear the voice of an angel telling me not to lay it down. And I feel the spirit guiding, telling me not to live on to every bone. दिन में आने का फायदा होता है यार, शाम के टाइम देखो ना, इस टाइम पे भी ये सारी की सारी जिम खाली पड़ी है। ऑलमोस्ट दो चार लोग हैं, और बाकी पीछे इधर उधर पूरा का पूरा सेक्शन। माय ब्यूटीफुल पीपल, वॉच आउट फॉर अनदर डांस मूव। यू नो व्हाट, I bought a new phone, and trust me, I don't know how to migrate from the old one to the new one, and everything was messed up. This gentleman saved my life. Now, see, can you see me, guys? Right? Keep it locked. Follow him. I said what? Listen to him. I said what? Follow him. Keep it locked. चलो भाई, हम आ गए हैं अभी हमारी next zone में, और भाई ये तो private gym है अपना, ये rush zone हमारा एकदम private हो गया है। और ये आ गई है हमारी हैवी केटल बेल्स, 32 किलो, 28 किलो, 24 किलो, 20 किलो, सबके सब। अभी कर लगाना चाहिए जियो रे बाहुबली। यार ये ना चीज दिखने में आपकी आंखों को धोखा दे सकती है, लेकिन इसका वजन एक गैस सिलेंडर जितना भारी है। ये है 28 किलो और ये 32 किलो, 70.5 pounds। दुबई में स्विट्जरलैंड की याद आए तो यहाँ पे हम स्कीइंग भी कर सकते हैं। पंखे से हवा भी काफी अच्छी आती है। गाइस हम कंप्यूटर में हैकिंग करते हैं, फ़ोन में हैकिंग करते हैं। यहाँ पे इस मशीन का नाम हैक स्क्वाट मशीन, और इसमें आप पीछे वेट डाल के इसमें आगे इस प्लेटफॉर्म पे पैर टिका के स्क्वाट करते हैं। और हम स्टार्ट करने वाले हैं, कितना 1 2 3 4 करेंगे आज? 4 sets करेंगे। हाँ, 10 8 6 और 40 फिर 80 फिर 120 और फिर 160।
40, 60, 80 और सेम उधर 80 वो डालो उधर एक ना भाई, अगर ऐसा करोगे ना तो मेरी एक टांग पतली बन जाएगी एक पैर पतला एक पैर मोटा क्या बात है। सुन के रेडी है और देखो इसको बोलते हैं लाइफ बैंक, अगर कभी किसी पार्टी में जाना हो और अगर चीज़ आपके फिट में नहीं आ रही हो तो ऐसे एक बेल्ट लेके आओ, इससे वर्कआउट करोगे ना करो अगर इसको खींच के बांधोगे तो आप सीधा अपनी कमर में 4 इंच का 4 इंच का इंस्टेंट डिडक्शन कर सकते हो, इंस्टेंटली 32 से 28 या 30 से 26 या 36 से 32। हार्ट रेट तेज है क्या? हार्ट रेट हाँ, वो होता है ना कभी किसी आप अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगाते हो और दिल पे रख के फोन सुनाते हो, देखो मेरा दिल कितना तेज धड़क रहा है, तो लेग्स वर्कआउट वो टाइम है कि वो करो भाई। शाम को आने का फायदा देखो, टाइम पे आने का, जब मैं आया उस टाइम पे पीछे बिल्कुल एक खाली था और अभी ये भरना शुरू हो गया है, आई मीन ये अभी पीक टाइम आ जाएगा दोबारा से, लेकिन मैं तब तक करके निकल जाऊंगा तो मजा आएगा। और जाने से पहले एक बोनस, इसको करके थोड़ा सा ना ऐसे बॉडी खुल जाती है, मजा ऐसे करने से हाइट भी बढ़ती है और साथ में तो थैंक यू रियाज भाई, मैं इंडिया निकल रहा हूँ कल सुबह सुबह और 3 दिन बाद 17 तारीख को दोबारा से तीन दिन आपको बहुत खुशी मिलेगी ना, आपका कोई भी क्लाइंट आपको तो अपडेट देते रहना, आपका कोई भी क्लाइंट लेट नहीं आएगा 3 दिन इकलौता मैं उसे लेट करता हूँ। एनीवेज रियाज भाई से जो है वो ट्रेनिंग हमको फोन पे वीडियो पे नोट्स में वॉइस नोट्स में सब में मिलती रहती है, अभी दिल्ली आता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ मेरा प्राइवेट जिम अपडेट करते हैं। चलो ओके भाई। तो भाई फाइनली हमारे लेग्स को पूरी अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद में मैं अभी वापस से चल के जाने वाला हूँ अपनी गाड़ी तक। साढ़े 5 बजे मेरा 6 बजे एक कोविड टेस्ट के लिए भी अपॉइंटमेंट है जिसपे घर पे सैंपल कलेक्शन के लिए आना है उनको, तो वो वाला काम भी एक बार होगा क्योंकि मेरे को अर्जेंटली कोविड रिपोर्ट चाहिए ताकि मैं फ्लाइट ले पाऊँ, जो कि मेरी आज रात को एयरपोर्ट जाना है मुझे, मैं दिल्ली ट्रैवल करने वाला हूँ तो मेरी दिल्ली की फ्लाइट है, तो उसके लिए अभी मैंने शाम को कोविड टेस्ट के लिए बुलवाया है। यार वैसे ये तो मैंने पर्सपेक्टिव कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कैमरा यहाँ लगाऊंगा, मिरर में मैं कैमरा को देख भी सकता हूँ और आप देख सकते हैं सामने का पॉइंट ऑफ व्यू कि कितना बढ़िया आपको पूरा का पूरा जो है वो एक्सपीरियंस मिल रहा था। यार ये तो बड़ा ही एकदम ऐसा मस्त वाला एंगल मिल गया हमको कैमरा के लिए। और बाय द वे मैं अभी जाने वाला हूँ सीधा अपने घर, 2-5 मिनट लगेंगे यहाँ से बस मैं पहुँचता हूँ। अभी अगर मैं अपने मिरर में गोप्रो को देख पा रहा हूँ तो इसका मतलब गोप्रो भी मिरर में मुझे देख पा रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा होना भी चाहिए बिकॉज हमने सभी ने बेसिक साइंस बेसिक फिजिक्स पढ़ा है, तो कुछ ये यार शाम का जो व्यू होता है ना मेरी कम्युनिटी का, ये बहुत ऐसे एकदम ऐसे अच्छा सा हो जाता है, नो नेचर हरियाली आपको देख देख के वैसे ही आपको पॉजिटिविटी आती है बहुत ज्यादा और वैसे आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। इनफैक्ट flow like water so I'm going mainstream
गाइस मैंने ये जो पीसीआर करवाया ये मुझे खुद को याद नहीं है कितनी बार हो चुका है, मतलब एक ट्रिप में 5 टेस्ट होते हैं और अभी जो मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो ये पहला टेस्ट, फिर एक कल सुबह सुबह दिल्ली पहुँचते ही, उसके बाद में जब मैं वापस आऊँगा तो दिल्ली में एक टेस्ट, फिर दिल्ली एयरपोर्ट पर एक रैपिड टेस्ट, फिर दुबई टेस्ट, तो आई मीन 5 टेस्ट होते हैं और पिछले ट्रिप में, उससे पिछले ट्रिप में, उससे पिछले ट्रिप में, इन बिटवीन, मतलब इतने सारी ऐसी आदत हो गई है ना, अब तो लगता है कि फर्क भी नहीं पड़ता। वो सुपर 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 अर्जेंट वाला टेस्ट, रिपोर्ट आएगी उसके बाद में, रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो मैं फ्लाइट बोर्ड करूंगा। 3 hours later. तो मैं हो गया हूँ फाइनली बिल्कुल रेडी, आज का दिन बिल्कुल एकदम पैक्ड था, अभी टाइम हुआ है 1:10, जाने वाला हूँ सीधा अभी फ्लाइट लेके दिल्ली, कुछ व्लॉग्स मिलेंगे फ्लाइट वाले, कुछ मिलेंगे आगे दिल्ली वाले, बहुत मजा आने वाला है। तो बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, अगर आपको सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए ऐसे ही कमाल 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 वीडियोज आने वाली है। तो फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।